पंजाब नशा छुड़ाओ केंद्र के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी आने वाली 20 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो ये कदम उठाने पर मजबूर हैं। सर जो मई 2017-18 दे विच जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ओट क्लीनिक स्टार्ट होया, वो SDH लेवल या रीहैब सेंटर दे विच जो ओट क्लीनिक्स खुले ने, उहदे चो टोटल अज की जी रजिस्ट्रेशन है 2 महीने मन के चलो 23 से 24 हज़ार के बीच है। कहने तो भाव कि 24 हज़ार मरीज है जो डेली पूरे पंजाब दे विच OPD बेसिस से ट्रीटमेंट लै रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उहदे च जो मुलाजम ने साडे बैठे ने वो 6 घंटे की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटीज कर रहे हैं। 7 बजे आके बह जाते हैं, शाम 7 बजे जाते हैं, 300-400 विजिट हर एक पेशेंट डेली बेसिस से कर रहे जी। असं इस करके अज जो अक के या थक के असी जो डिसीजन लिया, यही डिसीजन लिया कि भी असी 20 तरीक न हड़ताल से ही जावे, उस तो बाद असं गवर्नमेंट में इसका अल्टीमेटम दे दिया जाएगा।